ये अभी मैं लॉटरी के सेट पर हूँ, जो मेरी फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मज़ा आ रहा है काम करके, तो ये उसी फिल्म का गेटअप है। और वाराणसी में शूट चल रही है, तो जब इसकी ट्रेलर टीजर आएगी तो फिर आप लोग देखिएगा कि इस लुक के पीछे की रहस्य क्या है। लॉटरी से कितना फायदा कितना नुकसान? लॉटरी खरीदता टिकट हर कोई लगता है किसी एक को। नहीं सर, इस पे तो कोई बात नहीं करूँगी मैं, खरीदना ना खरीदना ये इंसान की अपनी अपनी चॉइस होती है, अपना बिलीव होता है। बट मेरी फिल्म लॉटरी ज़रूर देखिएगा तो समझ आएगा कि क्या करना चाहिए लॉटरी को लेकर, लॉटरी क्या है, क्यों है, तो वो तड़का आपको लॉटरी देखकर पता चलेगा। इसमें किस किरदार, कैसा किरदार होगा दर्शकों सामने, और किस रूप में नजर सर आएंगे? सब है सर, मतलब सैड, हैप्पी, एक्शन, कॉमेडी, सब है सर, सब मिलेगा फिल्म के आपको। डायरेक्टर साहब की बात की जाए, राइटर साहब की बात की जाए, क्या कहना चाहेंगे? धर्मेंद्र सर की, राइटर सर जो है हमारे धर्मेंद्र सर, इनका पहले, इससे पहले मैंने एक फिल्म किया जया, उनकी भी स्टोरी उन्होंने माइंड ब्लोइंग लिखी थी, और उनकी ही लिखी हुई ये फिल्म है लॉटरी। तो मैं बहुत लकी हूँ कि धर्मेंद्र सर की लिखी फिल्में मुझे मुझे मिल रही हैं और मैं कर रही हूँ, बिकॉज़ वो फीमेल ओरिएंटेड लिखते हैं और भोजपुरी को फीमेल ओरिएंटेड की नीड है, चाहिए मतलब। तो मैं बहुत खुश हूँ फीमेल ओरिएंटेड करके, उनके लेखक जो जो लिखते हैं वो फिल्म करके। डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर बस सेम सवाल है कि मैं जैसे जया में ही धर्मेंद्र सर से भी मिली थी और धीरू सर से भी मिली थी, तो धीरू यादव जी ही जया के भी डायरेक्टर हैं और लॉटरी की भी। सो बस वही है सर, मैं बहुत लकी हूँ कि धीरू सर मुझे डायरेक्ट कर रहे हैं, मेरी फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, तो बस और क्या। और प्रोड्यूसर साहब की बात करें, म्यूजिक कंपनी वर्ल्ड वाइड की बात करें, जो ये अलग अलग सिनेमा ले आ रही है, भोजपुरी सिनेमा को नया मुकाम दे रही है, अलग ही पहचान दे रही है, और इवन बॉलीवुड के कलाकारों को भोजपुरी से जोड़ने का जो प्रयास उन्होंने किया, और लोग जुड़ रहे खुशी खुशी कि हाँ फिल्में अच्छी बन रही, तो भाई अब भोजपुरी में काम करना चाहिए। पहले होता था कि भोजपुरी में यार नहीं करना है ऐसा, बहुत लोग चीज़ें इस पर होती क्या थी कहना चाहिए आप? सर, भोजपुरी फिल्म में बॉलीवुड के आर्टिस्ट नहीं आ रहे हैं, भोजपुरी में यूपी, हमारे यूपी बिहार के आर्टिस्ट आ रहे हैं, जो बॉलीवुड में काम किया करते थे अब वो हमारे यूपी बिहार में आ रहे हैं, तो वो बॉलीवुड के नहीं हुए सर, वो हमारे यूपी बिहार के हुए, और उनका आना ज़रूरी भी है। और हमें बहुत खुशी है कि जो आर्टिस्ट बाहर जाकर काम करते हैं अब उन्हें भोजपुरी में काम करना अच्छा लग रहा है, तो हमारी ये बहुत मेहनत की हुई कमाई है कि सब अब आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। तो और सर रत्नाकर सर की जहाँ तक बात रही कि शुरुआत उन्होंने की है कि सभी आकर काम कर रहे हैं, तो सर के लिए तो कोई बात नहीं, सर इतनी बड़ी और इतनी अच्छी अच्छी फिल्में दे रहे हैं, जो मतलब जो अच्छी फिल्में बन रही है सर, जो फैमिली में बैठकर देखी जा सकती है, जिसका कोई मतलब है, जिसका कोई मैसेज है सोसाइटी को, वो अभी तक तो सर बना रहे हैं, रत्नाकर सर बना रहे हैं। मैडम, वो बात करें परिंदा के ट्रेलर, हम लोगों ने देखा हाँ जी तो उसमें